नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही जायज है और बहुत बार आती है कि मेरे पास ये फलाना फलाना इनकम है, मैं कौन सा रिटर्न फाइल करूं? क्योंकि इनकम टैक्स के पास तो कई सारे रिटर्न है, 7 तरीके के रिटर्न है, 7। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ITR पे मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसकी कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखी है। प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। आप इतने तो एलिजिबल हो जाओगे, इतने योग्य हो जाओगे कि आप अपना, आस पड़ोस, छोटे मोटे बिजनेस, सबके रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ITR 1। कौन फाइल करेंगे? सैलरी वाले। लेकिन कैच है। कैच क्या है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है या अप टू 50 लाख से, तभी 50 लाख से ज्यादा है तो कौन सा? ITR 2। अब दिक्कत यह है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ अगर इनकम है, मान लीजिए रेंट का इनकम है, और अदर सोर्सेस से इनकम है, मतलब जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया या फिर मान लीजिए डिविडेंड इनकम हो गया, ये आप ITR 1 में फाइल कर सकते हैं। सैलरी इंक्लूड पेंशन ऑल्सो, अगर पेंशन भी है तो वो भी सैलरी ही है। सैलरीड पर्सन है तो वो कौन होगा? इंडिविजुअल। कौन होगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब कोई अमेरिका में काम कर रहा है, अब गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन के हैं, क्या उनका हम ITR यहाँ थोड़े फाइल करेंगे? तो अगर सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस, इन तीनों से इनकम है और सैलरी इनकम 50 लाख से कम है तो आपको फाइल करनी है ITR 1। अब दोस्तों देखते हैं ITR 2 कौन फाइल करेंगे। अभी तक ITR 1 में कौन कौन फाइल किया था? सैलरी, अदर सोर्सेस और हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, एक ही, एक हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1। लेकिन मान लीजिए मेरी 50 लाख से सैलरी भी कम है लेकिन दो हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 नहीं, फिर ITR 2। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई, फिर भी क्या फाइल करेंगे? ITR 2। तो ये दो कंडीशन है, समझ भाई। जनरली सबकी 50 लाख से कम ही होगी तो वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन जो है। उसके बाद ITR 2 कौन फाइल करेंगे? तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, ये तीनों तो है। लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी कितना? एक से ज्यादा भी हो सकती है। कैपिटल गेन से इनकम है तो भी आप फाइल कर सकते हैं ITR 2। अगर आप डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे किसी कंपनी में तो भी आपको ITR 2 फाइल करनी है। और अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, ये जनरली आप लोगों के पास होगा नहीं, जनरली हम लोग जो इक्विटी शेयर लेते हैं वो लिस्टेड ही होती है, अनलिस्टेड के वह जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो आप वो शेयर आप होल्ड भी नहीं करेंगे, जनरली नहीं कर रहे होंगे, तो आपको ITR 2 फाइल करनी है। अब आती है ITR 3 कौन फाइल करेगा? सैलरी वाले, उसके बाद अदर सोर्सेस, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी इनकम है फॉरेन एसेट से या फिर फॉरेन इनकम है। इसके अलावा अब तक देखिए बिजनेस वर्ड नहीं यूज हुआ था, अब अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है या आप पार्टनरशिप फर्म में है या आपकी प्रिजम्प्टिव इनकम है, प्रिजम्प्टिव इनकम मतलब 44AD वाली इनकम, 8% जो ले लेते हैं टर्नओवर का, तो आपको क्या करना है? ITR 3 फाइल करनी है। ITR 4 कौन फाइल करेगा? तो सैलरी, अदर सोर्सेस और हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका इनकम है वो अब 50 लाख से ITR 4 फाइल करनी है। दोस्तों ITR 3 और 4 अच्छे से समझना। ITR 3 में भी बिजनेस जाती है, एक से ज्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी हो तो 3 में चले गए, एक से अगर कम हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, तो ITR 4 में चले गए। मतलब देखिए बिजनेस है तो आपको 3-4 में फाइल करनी पड़ेगी, सैलरी है मनली तो आपको 1 और 2 में फाइल करनी पड़ेगी। मोस्टली लोग ITR 1 फाइल करते हैं, ITR 2 फाइल करते हैं, ITR 3, ITR 4, ITR 5 और ITR 6। ITR 7 किन के लिए है? वो ट्रस्ट वगैरह के लिए है, वहां हम नहीं जाते। ITR 5 कौन फाइल करेगा? फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फर्म जैसे पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्रेटरशिप नहीं, क्योंकि प्रोप्रेटरशिप का जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो इंडिविजुअल के नाम से होता है। अब ITR 6 कौन फाइल करेगी? तो कंपनी। अब जो अंडर सेक्शन 11 एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर रही वो अलग चीजें हैं, ठीक है, उस पे नहीं जाते हैं। मोस्टली मुझे जो एक इंडिविजुअल है वो किस सेक्शन में फाइल करेगा? ITR 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि मान लीजिए मेरी इससे इनकम है मैं किस में फाइल करूं, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा ITR फॉर्म आपको फाइल करना है। इस तरीके से आपको सही ITR फॉर्म चूज करना बहुत जरूरी है।
अब आप बोलोगे कि नहीं, मैंने आईटीआर 1 फाइल करनी थी, मैंने आईटीआर 2 फाइल कर दी, इसका क्या इंप्लीकेशन आएगा? कोई इंप्लीकेशन नहीं है। देखिए ये एक फॉर्मेट है कि अगर आईटीआर 1 फाइल करते उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है, आईटीआर 2 की प्रोसेसिंग अलग होती है। देखिए अगर आपको बताया गया है कि आप इस कमरे में रहेंगे, आप ही का घर है मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप जाकर दूसरे कमरे में जाकर रहने लगे तो कुछ ना कुछ तो उसका रिपरकशन होगा ना। तो ये मत कीजिए, जो सही आईटीआर फॉर्म है उसको भरिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी होने चाहिए एक आईटीआर फाइल करने के लिए, तो वो बताऊंगा दोस्तों अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।